हे गाइस, तो आज हम जा रहे थे सुरकंडा देवी। तो ये है मसूरी से, मतलब धनौल्टी से आगे जाके, और यहाँ जाने के लिए हमें देहरादून से 3 से 4 घंटे लगे। और डिपेंड करता है आप कितना रुक के जा रहे हो, आपकी स्पीड क्या है। और वहाँ जाते ही मतलब ऊपर पे, मतलब वैसे देहरादून से ही बारिश स्टार्ट हो गई थी, लेकिन यहाँ ऊपर आके आप देख रहे हो मौसम कैसा हो रखा था। मतलब बारिश तो हो ही रही थी, साथ में कोहरा बहुत ज़्यादा हो रखा था, ठंडा तो आप पूछो ही मत, इतना ज़्यादा ठंड थी। और ये हम पहुँच चुके हैं, और यहाँ से हमारा रास्ता जो है ऊपर चढ़ने का स्टार्ट होता है। यहाँ पे छोटी छोटी दुकानें हैं, रेस्टोरेंट है खाने वगैरह के लिए, और यहाँ प्रसाद वगैरह, मतलब हर चीज़ की दुकान है, छोटी छोटी सी, बहुत ही क्यूट क्यूट से सामान थे यहाँ पे। और फिर हम चले गए यहाँ पे, आप ट्रॉली से भी जा सकते हैं और आप चाहे तो पैदल भी जा सकते हैं। तो इस टाइम थोड़ा मौसम बहुत थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा ठंडा था, हवा इतनी मतलब चुभने वाली जो ठंड होती ना, आप बोल सकते हो वो ठंड हो रही थी, हवा बहुत ही ठंडी चल रही थी। तो हम ट्रॉली से जा रहे थे क्योंकि बच्चे भी थे साथ में, और यहाँ हमारा फ्रेंड हमको डरा था कि यहाँ से ऊपर जा रहे थे, वहाँ पे डूब गई थी ट्रॉली, मुझे वैसे ही बहुत डर लग रहा था। मैंने कहा भाई तू चुप हो जा प्लीज़, मेरे को डरा मत, वैसे ही बहुत डर लग रहा है। फिर मैं चुपचाप से बैठ गई, मतलब मैं बिल्कुल भी हिल नहीं रही थी और ना ही इधर उधर देख रही थी, ये लोग तो इधर उधर देख रहे थे और रिकॉर्डिंग कर रहे थे। मैंने कहा तुम लोग रिकॉर्ड करो, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, मुझे बहुत डर था। वैसे नीचे पे बहुत ही अच्छा लगता था, और लेकिन फिर मैं देख ही नहीं रही थी नीचे पे, मैं तो सामने पे ही देखने में लगी थी और चुपचाप बैठी हुई थी। फिर जैसे हम उतरे ना, मुझे इतना ज़्यादा रिलीफ हुआ, मैंने कहा थैंक गॉड पहुँच गए। फिर उसके बाद यहाँ से सीढ़ी चढ़ने के बाद आगे जाके शूज़ वगैरह उतारने थे। फिर वहाँ पे जब हमने शूज़ उतारे ना, उस टाइम पे जो पैरों में ठंडा लगा, मतलब ऐसा लगा था हमने बर्फ़ के ऊपर पैर रख रखे हो, इतना ज़्यादा ठंडा था। और यहाँ आप देख रहे हो पूरा गीला था नीचे पे। तो मंदिर के अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, और बाहर पे आप चाहो कुछ भी करो, लेकिन अंदर पे बिल्कुल भी अलाउड नहीं था। और यहाँ पे आप देख रहे हो पूरा फॉग ही फॉग हो रखा है। और यहाँ पे हमने अपना नारियल वगैरह छिला और थोड़ा प्रसाद मतलब चढ़ा दिया इधर उधर, नारियल जो भी चढ़ाना था। फिर यहाँ पे हम थोड़ी सी ऐसी वीडियो बना रहे थे, और हल्की सी यहाँ पे धूप आई थी, उस टाइम पे थोड़ा अच्छा लगा, बट फिर धूप चली गई। फिर हम ज़्यादा रुके नहीं क्योंकि पैर बिल्कुल जाम हो गए थे, लग ही नहीं रहे थे कि पैर होंगे भी, बहुत ही ठंडा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ से जो व्यू दिखता है वो इतना सुंदर लगता है ना, इस टाइम पे फॉग था तो धुंधला धुंधला दिख रहा था, लेकिन इतना सुंदर लगता है क्योंकि एकदम टॉप पे मंदिर है, बहुत अच्छा लगता था नीचे पे क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया है। पीछे की तरफ हम इस टाइम पे घूम रहे थे, पीछे आगे काफ़ी बहुत ही बड़ा है एरिया, और सब लोग लगे हुए थे वीडियो वगैरह बनाने में क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू लगता है ऊपर से नीचे। आप देख रहे हो कितना बड़ा है, ये बैक साइड का ही है, वो फ्रंट है उस साइड, ये पूरा बैक साइड है। और आप देख रहे हो मंदिर कितना सुंदर है और बहुत ही अच्छा है, बहुत ही खुला खुला सा है। फिर हम चले गए वापस ट्रॉली में, हम तीनों ही गए, बाकी लोग पैदल ही गए। मैंने कहा तुम ही जाओ पैदल, हमारे बस का नहीं है बच्चे के साथ में। और फिर उसके बाद हम गए मसूरी, हमने स्टे करा, और मसूरी में इतनी तेज़ बारिश और ओले इतने पड़ रहे थे, फिर हमने वहीं स्टे किया। हम सोचे थोड़ा सा घूमेंगे, बट बारिश ने हमें घूमने नहीं दिया। और यहाँ पे ये हमारा रूम था, ये हमारा बाथरूम है, और रूम काफ़ी अच्छा था। और फिर हम अपना सामान वगैरह यहीं पर रख के, फिर हम सारे के सारे फ्रेंड्स लोग, हम मतलब हम 4 फैमिली थी, फिर हम एक ही रूम में बैठ के पूरा गपशप जो भी हमारी मस्ती मजाक चलता है, फिर हम एक ही रूम में बैठ के हमने वो एक ही रूम में बैठ गए, मतलब अपना सामान अपने अपने रूम में रखा। और फिर हम चले गए एक ही रूम में बैठने के लिए। फिर उसके बाद हमने क्या करा, बच्चों को छोड़ा उनके पापा लोग के पास में और खुद चले गए नीचे क्योंकि बारिश हो रही थी। वैसे जब हम निकले तब बारिश नहीं थी, जैसे हमने बाहर पे 1-2 कदम रखे उसके बाद बारिश इतनी तेज़ स्टार्ट हो गई थी, पर हमने कहा हम जब आए हैं तो हम घूम के ही जाएंगे थोड़ा सा। फिर हमने मोमोज़ खाए, जलेबी खाई और कोल्ड ड्रिंक भी पी, और उस बारिश में थोड़ा भीगे, थोड़ा क्या काफ़ी ज़्यादा भीगे क्योंकि बिल्कुल भी जगह नहीं थी। आप देखो कैमरा ही पूरा भीग गया, वीडियो भी बनाई रही थी। फिर इस टाइम पे हमने कहा चलो भाई अब चलते हैं, अब हम कुछ यहाँ पे शॉपिंग वगैरह भी नहीं कर सकते क्योंकि कपड़े भी ना हम ऐसे लेके नहीं आए थे, क्योंकि हमारा रुकने का मतलब एक ही दिन का ऐसा वो था कि चलो हम एक ऐसी एक रात को रुक के हम नेक्स्ट डे हमें जाना ही था, तो कपड़े भी हम ऐसे लेके आए थे। और सुबह फिर हम रूम पे चले गए, फिर हमने खाना पीना खाया, सो गए। फिर नेक्स्ट डे आप देख रहे हो नेक्स्ट डे भी बारिश हो रही थी, और कि भैया बोला मेरे मुँह से धुआं निकल रहा है। और इस टाइम हमने नाश्ता वगैरह सब कर लिया था, बस हम जाने के लिए सोच रहे थे कैसे निकले क्योंकि बारिश होती बहुत तेज। फिर हम निकल चुके थे, फिर सब अपने अपने घर चले गए और हम आ गए वापस। तो आप अगर प्लान करोगे सुरकुंडा माता जाने की तो बारिश के टाइम में ना करें, वैसे आप कभी भी जाएं, बहुत ही अच्छा मंदिर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुकून मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।